हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आईबीएम का सब्जेक्ट चल रहा है, सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जल्दी से अंतिम प्रहार आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय है कम और काम है ज़्यादा। अब ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक रहा है हमेशा की तरह। ये क्या बोल रहा है, फॉर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन बताइए, यानी कि अगर मेरे को मेरे देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्री की हेल्प करनी है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो कौन कौन सी तरीके से मैं उसके ऊपर उसको प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, उसको बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला होता है टैरिफ, यानी कि मैं एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा देता हूं जिससे कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आके माल नहीं बेच सके, उनके ऊपर हैवी टैरिफ लगता है और एक्सपोर्ट के लिए अपन उसको प्रमोशन दे सकते हैं तो टैरिफ लगा सकते हैं, है ना। सेकंड उसकी होती है सब्सिडीज, ये हमको हम किनको देंगे सब्सिडी, अपनी कंपनीज को देंगे, डोमेस्टिक कंपनीज को सब्सिडीज देंगे और फॉरेन की कंपनीज को क्या देंगे, टैरिफ देंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, टैक्स का दूसरा नाम टैरिफ है। और सब्सिडीज दी जाती है, ग्रांट दिए जाते हैं, वेरियस ग्रांट्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, टैक्स का हो सकता है, प्रोडक्शन को लेके हो सकता है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का हो सकता है, वेरियस ग्रांट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी जाती है। अब इंपोर्ट ड्यूटीज किन के ऊपर लगती है, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं। बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट ड्यूटी को एक वर्ड है, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, है ना। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कॉमन लैंग्वेज के अंदर कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। दोनों का कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, दोनों का मतलब एक ही है। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट है, अगर कोई जैसे कि यहाँ पर जैसे दालों के ऊपर अपने इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, गेहूं के ऊपर लगा देते हैं ताकि भारत उसका ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करे और यहाँ के लोगों को जो अनाज है, जो दालें हैं, वो ज़्यादा रेट पे ना मिले, क्योंकि मार्केट के अंदर रेट हो सकती है ज़्यादा लेकिन भारत के कंज्यूमर पर उसका, भारतीय लोगों का पहला हक बनता है भारत के उगने वाले दालों के ऊपर, तो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है। और इससे एक टैक्स भी लेवल किया जाता है, है ना। सेकेंड, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट का मतलब ये कुछ नॉर्म्स होते हैं, ये कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आप कह सकते हो कि हमने म्यूचुअली टाइप कर रखा है, जैसे कि हमने दो कंपनी से, दो कंट्री से टाइप कर रखा है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इतना नहीं लगाओगे और हम भी नहीं लगाएंगे, या वो भी कह देते हैं कि इस प्रोडक्ट पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो आप भी इस प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा लो। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में या दो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जो इंडस्ट्री है, जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई फार्मा इंडस्ट्री है, उनके साथ गवर्नमेंट ने कोई टाइप कर लिया तो वो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट के अंदर आ जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसीज ही होती है जिनके अंदर वो रेगुलेशन लगाती है कि ये एचआर आप इससे ज्यादा नहीं लोगे, ये नॉर्म्स ये रहेंगे कंपनी बनाने के, इस टाइम पे सैलरी देनी होगी, जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ पॉलिसीज आती है वो भी डोमेस्टिक कंपनीज को हेल्प करती है और फॉरेन कंपनीज को, जैसे आईपीएल में क्या कह रखा है कि आपको इतने एक खिलाड़ी तो खिलाना ही पड़ेगा और इतने खिलाड़ी इंडियन होने ही चाहिए, वैसे डोमेस्टिक कंपनीज भी कहती है कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉई आपको हमको देने ही होंगे तभी आपकी फॉरेन कंपनीज यहाँ पर वर्क कर सकती है। एक तरीके का उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। नेक्स्ट होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग पॉलिसी, ये बेसिकली फॉरेन कंपनीज के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ ड्यूटी है जिसमें जो भी वेस्ट निकलता है, स्लज निकलता है, उसके कारण जो भी एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है उससे वसूला जाता है, उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा के हम वसूलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, सारी चीज़ें डीमोटिवेट करती हैं फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने से, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हम फॉरेन इन्वेस्टर को भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में बढ़िया कर रही हैं, लाइक कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनी है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पास काफ़ी अच्छी है, फूड इंडस्ट्री हमारे पास काफ़ी अच्छी है, तो हम उन्हीं को ही प्रमोट करते हैं। तो ये वैसा वर्षा होता है ना, जो टेक्नोलॉजी लाइक सेमी कंडक्टर की कोई कहेगी कि सेमी कंडक्टर हमारे यहाँ बना, हम यहाँ आपके इंडिया में आके बनाएंगे, तो बोले बनाओ हम आपके सारी हटा देंगे। अब जैसे टेस्ला ने इंडिया में आके कहा गडकरी साहब को कि हम चाइना में कार बनाएंगे इंडिया में बेचेंगे, तो गडकरी साहब ने कहा लगाएंगे 400% टैक्स, 300% टैक्स, 60 लाख से कम टेस्ला की कार नहीं बिकने देंगे, तो बोले दूसरी तो 30-40 लाख में आ जाएगी, बोले आप इंडिया में बनाओगे तभी इंडिया में बेच पाओगे। तो कुछ पॉलिसीज होती है, ये सारा का सारा पॉलिसी का खेल इसलिए होता है ताकि हम एक्सपोर्ट प्रमोट करें और इंपोर्ट को कम करें और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्टअप करें। तो उसके लिए हम टैरिफ लगाते हैं फॉरेन कंपनीज पे, सब्सिडीज देते हैं अपनी कंपनीज को, इसके अलावा सब्सिडीज के अलावा ग्रांट्स भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है एक्सटर्नल कंपनीज के ऊपर, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो एसोसिएशन से उनसे बात करके एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाते हैं, कोटा इसके अंदर एक फिक्स हो गया, कोटा एक पॉइंट रह गया, कोटा में
अंदर क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, यानी 400 यूनिट 500 यूनिट से ज़्यादा आप बाहर सेल नहीं कर सकते, इससे बाहर का रिस्ट्रिक्शन है, या इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, 200 यूनिट 300 यूनिट से ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ये भी एक कोटा भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टाइप के इतने इम्प्लॉइज़ होने चाहिए, ये बिल्डिंग इस साइज़ का होना चाहिए, ये सारी बातें। और एंटी डंपिंग क्या है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस टाइप है कि इतने अगर आप डंपिंग करोगे इतना आपका वेस्टेज निकलेगा, स्लज निकलेगा, तो इस पर आपको इस परसेंटेज पर फाइन देना होगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन है जो इम्पोर्ट को कम करते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, डोमेस्टिक कंपनी को ग्रोथ करने के लिए एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। आधी सीरीज़ हो गई, देखो बातों में आधी सीरीज़ हो गई और आधी सीरीज़ ही बची है, जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। जय हिंद।